हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इको टैंक L1300 सिंगल फंक्शन इंक टैंक प्रिंटर के बारे में, जो कि A3 साइज का प्रिंटर है। बहुत ही नाइस, बहुत ही अच्छा प्रिंटर है। अभी तक आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे इसके ऊपर, या आपने अनबॉक्सिंग देखा होगा, लेकिन अभी तक आपने इसके बारे में जो डिटेल्स है, जानकारी है, वो नहीं देखा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस प्रिंटर के क्या क्या एडवांटेज है वो हम डिटेल्स में देखते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस प्रिंटर के बारे में जानते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रिंटर के क्या क्या एडवांटेज हैं। दोस्तों L1300 जो एप्सन का प्रिंटर है, ये वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रिंटर है जो 4 कलर्स के अंदर अवेलेबल है, टैंक के अंदर अवेलेबल है। अभी तक A3 साइज के अंदर काफ़ी प्रिंटर थे, लेकिन वो इंक टैंक के अंदर नहीं था, इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। या आप लेज़र प्रिंटर यूज़ करते थे, वो लेज़र प्रिंटर काफ़ी कॉस्टली होता था, उसका जो टोनर्स होते हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और रिफिलिंग नहीं होता था। अगर आप रिफिलिंग कराते भी थे तो उसकी क्वालिटी नहीं आती थी। अगर आप कार्ट्रिज लेते थे तो उस कार्ट्रिज का जो कॉस्ट होता था वो कम से कम 5000 का पर कार्ट्रिज का रेट होता था, जो कि 20,000 के लगभग रेट होता था, क्योंकि उसमें 3 कलर्स और एक ब्लैक यूज होता है। तो 20,000 रुपीज़ एक बार में आपको पे करना होता था। और अगर आप इंक वाला प्रिंटर या कार्ट्रिज वाला प्रिंटर यूज़ करते थे, जब आपको प्रोजेक्ट पूरा करना होता था और कार्ट्रिज उसी टाइम पे फिनिश हो जाता था या फिर सूख जाता था, तो आपका जो वर्किंग है उस पर इफेक्ट पड़ता था। तो एप्सन ने ये बहुत अच्छा प्रिंटर बनाया है L1300, जो कि आपके बजट में भी है, और इसको बार बार आप टैंक के अंदर खुद ही इंक फील कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचता है और एक कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर आप कैड पे काम करते हैं या फ्लोर प्लान्स के लिए आप मैप्स बनाते हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स निकालते हैं, तो A3 के ऊपर वो आप काफ़ी अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, जो कि A4 साइज के प्रिंटर पे आप नहीं कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि बहुत ही सुपर सेविंग प्रिंटर है, और इसमें 5 चैम्बर होता है जिसके अंदर हम इंक डालते हैं, जिसमें 3 चैम्बर जो होता है इसका कलर का होता है, 2 चैम्बर इसका ब्लैक का होता है, जिससे आप 7100 ब्लैक पेज निकाल सकते। डिजाइन फॉर हाई प्रोडक्टिविटी द L1300 फीचर एन एडवांस प्रिंटर टू अचीव फास्ट प्रिंट स्पीड ऑफ अप टू 15 IPM ब्लैक। और अगर इसका हम प्रिंट की बात करें तो 15 IPM ब्लैक, IPM क्या होता है, इमेज पर मिनट होता है, जो कि ये एक मिनट में 15 प्रिंट्स आपको इमेजेस प्रोवाइड करता है। इसकी रेजुलेशन की बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजुलेशन है इसके अंदर, जो 5700-600 DPI का आपका रेजुलेशन है। अगर मीडिया फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इसके रेयर ट्रे में जो है सिंपल पेपर, जो A3 साइज का पेपर है, फोटो पेपर है, इनवेलप है, लेवल है, हर तरीके का आप पेपर यूज कर सकते हैं। हैंसल फ्री ऑपरेशन, एप्सन ओरिजिनल इंक टैंक सिस्टम इज डिजाइन फॉर स्मूथ नो मेस ऑपरेशन इन कॉर्पोरेट एंड सोहो एनवायरनमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर जब भी आप यूज कीजिए तो एप्सन का जेनुइन इंक यूज कीजिए, इससे इसका जो फोटो क्वालिटी है या फिर आपका प्रिंटिंग क्वालिटी है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। प्लस इससे एक बेनिफिट्स है कि अगर आप ओरिजिनल इंक यूज करेंगे तो प्रिंटर का जो लाइफ है या जो इसका प्रोडक्टिविटी है वो भी आपका मेंटेन रहेगा, और प्रिंटर आपका जल्दी ख़राब नहीं होता अगर आप ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और इसकी जो वारंटी है वो आपका 1 साल का होता है, प्लस 1 साल के अंदर आप 13,000 प्रिंट्स आप आराम से निकाल सकते हैं, जो कि प्रिंटर के वैल्यू से ज़्यादा है। मैंने इससे पहले ही बताया था कि इसके प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो प्रिंट टेक्नोलॉजी जो इसका है पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी यूज है। प्लस मैक्सिमम अगर प्रिंट रेजुलेशन की बात करते हैं तो 5760x14040 DPI जो है इसका रेजुलेशन होता है। मिनिमम इंक ड्रॉपलेट वॉल्यूम जो है वो 3PL है। ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग की बात करें तो ये प्रिंटर एक डुप्लेक्स प्रिंटर नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक डुप्लेक्सिंग नहीं होता है, लेकिन मैनुअल आप करना चाहे तो कर सकते हैं। ब्लैक नोजल कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका 360 है। कलर नोजल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 59 पर कलर होता है इसका, इसमें 3 कलर यूज़ होते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो। और प्रिंट डायरेक्शन की बात करें तो बाई डायरेक्शनल प्रिंटिंग भी होता है इसमें, और यूनी डायरेक्शन प्रिंटिंग भी होता है।
प्रिंट स्पीड की बात करें तो फोटो 10x15 सेंटीमीटर ऑब्लिक 4x6x2 अप्रोक्स 58 सेकेंड पर फोटो निकाल सकता है। जो मैक्स फोटो ड्राफ्ट होता है वो 10x15 सेंटीमीटर ऑब्लिक 4x6x2 अप्रोक्स ये 31 सेकेंड पर फोटो निकालता है। ब्लैक ऑब्लिक कलर तो अप्रोक्स ये 13 ppm ऑब्लिक 70 ppm इसका टाइमिंग होता है। सिंप्लेक्स ब्लैक की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था अप्रोक्स ये 15 ipm पर मिनट निकालता है। पेपर हैंडलिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसमें सिंपल एक ही ट्रे होता है, इसमें एक से ज़्यादा ट्रे नहीं होता है। इसी ट्रे के अंदर आपको A4, A3 या जो भी आप ग्लोसी पेपर लगाते हैं या प्रीमियम ग्लोसी पेपर लगाते हैं सभी इसी के अंदर आपको मैन्युअली लगाना पड़ेगा। जब जो पेपर यूज़ करना है उस टाइम पे आपको वो पेपर आप इसके अंदर लगा सकते हैं। आप इसमें सिंपल A4 साइज का प्लेन पेपर जो है 100 पेपर रख सकते हैं, ग्लोसी पेपर जो है नॉर्मल 20 पेपर आप रख सकते हैं। उसी तरीके से अगर प्रीमियम ग्लोसी यूज़ करते हैं तो 50 रख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसके पीछे का एक ही ट्रे होता है जिसमें आप अलग अलग पेपर अपने अकॉर्डिंग जब भी आपको जिस तरीके का पेपर यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं। पेपर साइज़ की बात करें तो A3+ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, A3 यूज़ कर सकते हैं, B4 यूज़ कर सकते हैं, A4 यूज़ कर सकते हैं, A5, A6, B5 इस तरीके से हर साइज़ का पेपर यूज़ कर सकते हैं। लीगल लेटर हाफ लेटर और इसमें मैंने पेपर के साइज या स्टैंडर्ड पेपर इनपुट कैपेसिटी आपको स्लाइड में लिख के भी दिया, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से साइज़ का पेपर या आपके ट्रे में कौन सा शीट कितना आ सकता है वो मैंने इसमें लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। प्लस इनवेलप के अंदर 10 साइज जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं, C4 C6 पेपर यूज़ कर सकते हैं। पेपर फीडर मैटर जो होता है इसमें फ्रिक्शन फीड होता है। प्रिंट मार्जिन जो इसका होता है वो लेफ्ट राइट बॉटम 3 mm का होता है, चाहे लेफ्ट हो राइट हो बॉटम हो या टॉप हो तो इसमें 3 mm इसका प्रिंट मार्जिन होता है। ओके दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। इसके बारे में और भी कोई डिटेल्स अगर आपको जानना है तो आप मेरे को लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।